हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये देखिए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ कबूतर करी। आज मैं बनाने वाली हूँ कबूतर के साथ 2-3 टुकड़े कद्दू ग्रेवी। 1-2 टुकड़े कद्दू के साथ कबूतर का ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है और हेल्दी भी है। मैं आज ये रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। अभी मैं कबूतर को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अभी अच्छी तरह से धो के मैं सारे मसाला दे दूंगी। ये देखिए कबूतर को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लिए है। अभी मैं कद्दू के साथ ये कबूतर का जो करी है ग्रेवी ये बनाऊंगी। अभी मैं करी बनाऊंगी। करी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अभी मैं तेल और जीरा दे दूँगी। जीरा के साथ साथ हरी मिर्च और प्याज भी दे दूंगी सारे। ये देखिए प्याज हमारी हो गई है। अब मैं अदरक लहसुन और सारे मसाला दे दूंगी। ये देखिए प्याज हमारी हो गई है। अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे जो मसाला जो इलायची दालचीनी लौंग ये सब सारे मसाला अभी मैं यहाँ पे दे दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए सारे मसाला मैंने फ्राई कर लिए हैं। अभी मैं कबूतर का जो गोश्त है वो डाल दूँगी। और ऐसे ही अच्छी तरह से 2-3 मिनट मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक सारे दे दूँगी। इसी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक दे दूँगी मिर्ची पाउडर के साथ। मैंने दे दिए हैं। अभी मैं ऐसे 5 मिनट अच्छी तरह से पकाऊंगी। उसके बाद मैं पानी दे दूंगी। ये देखिए 4-5 मिनट में अच्छी तरह से पका लिए हैं। अभी मैं पानी दे दूंगी। पानी जब उबाल आ जाएगी तब मैं ढक्कन दे दूंगी। ये देखिए पानी हमारी उबाल आ गई है। अभी मैं ढक्कन देके और 5 मिनट अच्छी तरह से पकाऊंगी। ये देखिए गैस कबूतर ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और एक बोल में निकाल लूंगी। ये देखिए हमारी कबूतर ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। ये बहुत ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है। देखिए अभी मैं एक बोल में निकाल लूँगी। ये देखिए गाइस कबूतर ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की ये कबूतर का रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।